नानक मेहता का उल्टा चश्मा। पता नहीं इन लोगों ने फुफड़ को कहाँ छुपा रखा है। ए मैनेजर, तुम्हारे रिजॉर्ट में कोई खुफिया जगह तो नहीं है ना? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे रिजॉर्ट में सब फैमिली वाले आते हैं, यहाँ पर कोई खुफिया जगह नहीं है। और सर ऐसे तो हमारे रिजॉर्ट का नाम खराब हो जाएगा। हमारे रिजॉर्ट से दो लोग गायब हुए हैं, अगर वो लोग नहीं मिले ना तो वैसे भी तुम्हारे रिजॉर्ट का नाम खराब होने ही वाला है, समझे? चलो उन्हें ढूंढते हैं। इस तरफ चलो। क्या बटन देखे लोग? नहीं सर। ओह गॉड, दिखा पॉपर लाल। नहीं दिखा। और भारती? अरे यार कितनी बार कह चुका हूँ, उस भारती को मैंने अभी तक देखा नहीं, तो कैसे पहचानूंगा उसे? अगर वो मेरे सामने से गई तो भी नहीं पहचान पाऊंगा। नहीं मतलब कोई छोटे से नाटे से बैठी दड़ी जैसी लड़की दिखे? बेठालाल रिजॉर्ट का कोना कोना छान मारा लेकिन वो दोनों कहीं नहीं दिखाई पड़े। नहीं मुझे बोटिंग नहीं जाना, मुझे वाटर पार्क जाना है, मुझे वाटर पार्क जाना है, जाना है, जाना है। नहीं मुझे बोटिंग नहीं जाना, मुझे वाटर पार्क जाना है। नहीं दियाना, एक बार वाटर पार्क नहीं जाना है। पुलिस अंकल ये गुड्डी को पकड़ के लेके जाओ। नहीं नहीं मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। अरे बहन जी इतनी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया इसे मैं क्यों पकड़ के ले जाऊंगा? इसने क्या गुनाह किया है बहन जी? इसने नाक में दम करके रखा है। सुबह उठने में नाटक, ब्रश करने में नाटक, नहाने में नाटक, पूरा दिन टीवी मोबाइल टीवी मोबाइल, मेरी एक बात नहीं सुनती है, कभी पढ़ाई नहीं करती है। बहन जी बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। हमारा पाटिल भी है अब भी ऐसे ही बचपना करता है। देखो अगर मेरी बात नहीं मानोगी ना तो पुलिस सच में पकड़ के लेके जाएगी। लो, एक और माँ आ गई जो पुलिस को विलेन बना रही है। बहन जी आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि बच्चों को पुलिस के नाम से ना डराएं। सॉरी सॉरी सर, मैं इसे कब से कह रही हूँ वाटर पार्क बंद है, फिर भी वहाँ जाने की जिद कर रही है। मम्मी वाटर पार्क बंद नहीं है, खुला है। नहीं बेटा वाटर पार्क एक साल से बंद है, अभी ये ना मेंटेनेंस का काम चल रहा है और काम करने वाले भी नहीं आ रहे, इसीलिए सब कुछ बंद है। नहीं वाटर पार्क चालू है, मैंने वहाँ लोगों को आते जाते देखा है। वहाँ आते जाते देखा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो जी पांडे जी, आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। नो जेठालाल, मेरे पहले कुछ भी सोचने की हिम्मत मत करना। सॉरी लेकिन अभी तो मैंने सोच लिया। ओह तुम दोनों सोच सोच क्या खेल रहे हो, क्या सोचा वो बोलो ना। बापू पांडे जी आप ही बताइए। अभी मैनेजर ने कहा कि वाटर पार्क बंद है और उस बच्ची ने कहा कि वाटर पार्क खुला हुआ है और कुछ लोग वहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि जो जगह बंद होती है उसी में राज छुपा होता है। बंद दरवाजा खुलेगा और एक नया रास्ता मिलेगा। हाँ, हमने सब कुछ चेक किया लेकिन वाटर पार्क तो चेक ही नहीं किया। यस। अरे वाह वाह वाह, ये बच्ची तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है। अरे बच्चे तो कहते हैं ना भगवान का रूप ही होते हैं। पप्पू जी वाह बेटा, तुमने तो आज हमारा काम आसान कर दिया। तो फिर मुझे चॉकलेट दो। चॉकलेट नहीं बेटा, हम तुम्हें आइसक्रीम दिलाएंगे, चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। पटेल इस गुड़िया को आइसक्रीम दिला दो। सर पैसे? नहीं दे देंगे ना बाद में, लास्ट टाइम का क्लियर किया ही था ना। यहाँ से वाटर पार्क जाने का रास्ता कहाँ से? हमारे रिजॉर्ट के गेस्ट के लिए एक छोटा सा एंट्री गेट है जो फिलहाल बंद है, बाकी वाटर पार्क का मेन गेट बाहर से भी है। ओह, मुझे 100% यकीन है कि पोपट लाल वहीं पर होगा। मुझे वहीं लेके चलो। कौन? मुंह मुंह मुंह। चलो 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 चलो
है। चाबी मंगवाओ इसकी। अरे चाबी की क्या जरूरत है, इतना सा तो गेट है। चलो चलो कूद के चले जाते हैं। चलो बाबूजी, अरे बाबूजी संभालिए। अरे कुछ नहीं होता है सर, आपको लग जाएगा। अरे कुछ नहीं लगता है बाबूजी। ओह नो, गेम ओवर। चाबी मंगा, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। जो सुनाना है सुनाओ सुनाओ, क्योंकि 3 मिनट बाद मैं ये स्विच दबाऊंगा और खेल खत्म। दो मिनट और 45 सेकंड बचे। इतनी देर लगेगा यार, वो चाबी लेकर कब आएगा? सर मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं तुम यही रुको, वरना तुम्हारा यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। पत्थर लाओ, पत्थर पत्थर गायकवाड़, पत्थर लाओ और ताला तोड़ो। अरे लेकिन पांडे जी, पत्थर की क्या जरूरत है? तो क्या तुम्हारे सर से ताला तोड़े? अरे नहीं, आपके पास रिवॉल्वर है ना, तो एक गोली मार के ताला तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ बगा, ऐसा नहीं कर सकते। अरे लेकिन क्यों नहीं कर सकते? अरे मान ले चालू जी, पांडे जी ने ताले पे गोली चलाई और गोली ताले पे लग कर रिबाउंड होकर इस तरह, भाई तो हम में से किसी को लग सकती है ना भाई। ये क्या बोल रहे हो जेठालाल, ये रिवॉल्वर की गोली है, कैरम का स्ट्राइकर नहीं है कि बोर्ड पे लगी और रिबाउंड होकर आ जाएगी। तो फिर क्यों नहीं चला सकता गोली? अरे हमें एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। डिपार्टमेंट हमसे पूछेगा कि इंस्पेक्टर चालू पांडे तुमने गोली कहाँ चलाई, मैं कहूंगा कि ताला तोड़ने के लिए गोली चलाई। और वैसे भी पुलिस ताला तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए होती है, अगर पुलिस ही ताला तोड़ेगी तो ताला तोड़ पुलिस को कौन पकड़ेगा? इसलिए गोली चलाकर ताला नहीं तोड़ सकते। और दूसरी बात, अगर हमने ताला तोड़ने के लिए गोली चलाई और गोली की आवाज सुनकर दवाइयों की कालाबाजारी करने वाला चौकन्ना होकर भाग गया तो? बराबर है, इसलिए पत्थर इज द बेस्ट चॉइस। देखो भाई, तुम्हें तो अब तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, तो फिर हमें मार के क्या फायदा? पैसे मुझे तुम्हें मारने के ही मिल रहे हैं, समझे? मुझे मिल गया पत्थर। जा ला ला जल्दी, ला ला जल्दी, आ जल्दी भागा। एक मिनट सेठ जी, मिल गया पत्थर, मिल गया, मिल गया। थैंक यू। सर चाबी आ जा, इधर 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 चलो 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 चलो। अरे इधर भी ताला। ओह एक और गेट। अरे यहाँ कितना गेट है भाई? सॉरी सर, ये आखिरी गेट है और यही मेन गेट है अंदर आने जाने के लिए, हम सब भी यहीं से जाते हैं। खोल 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 भाई, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। खुला जल्दी, अरे खोल जल्दी करो जल्दी करो। अरे इसमें तो कितनी सारी चाबियां हैं,
इसमें से इस ताले की चाबी कौन सी है वो ढूंढने का टाइम नहीं है। पांडे बेटा पोपट की जान खतरे में, अरे कुछ भी करो ये ताला तोड़ो। नहीं 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 चाचा जी, ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई कोई यहाँ पर खुफिया रास्ता आएगा जैसे वो पिछले गेट में था, है क्या यहाँ? देखो चेक कर दो। नहीं सर, यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। वो कहाँ है? कोलंबस। कोलंबस? अरे जिसने पिछले गेट में रास्ता ढूंढा था वो कोलंबस, वही ना? कहाँ है वो? भागा? हाँ भागा भागा, कहाँ है वो? पांडे जी ये लीजिए पत्थर। हाँ मार अपने माथे पे। अरे कहाँ चले महाराज? तोड़ ताला। आई आई सर। जस्ट डू इट। और जोर से। अरे मारो जोर से। मार भगा। हाश खुल गया, खुल गया। जल्दी जल्दी खुल गया, भागो। कौन? भाग 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 भाग। कहाँ गया पोपटलाल? पोपटलाल, 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 पोपटलाल। पोपट भाई। पोपटलाल कहाँ हो तुम? पोपटलाल यहाँ हो तुम? यहाँ हो तुम ऐसा क्या पूछ रहे? बापू जी हमको कंफर्म पता नहीं है ना कि पोपटलाल ये वाटर पार्क में ही है, इसलिए मैं चिल्लाया पोपटलाल यहाँ हो तुम? क्या अगर वो यहाँ होगा तो वो जवाब देगा कि हाँ यही हूँ मैं, और अगर नहीं होगा तो वो जवाब नहीं देगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो यहाँ नहीं है, तो हम दूसरी जगह उसको ढूंढ सकते हैं ना। क्या बोल रहा है तू जेठा? हाँ जेठालाल क्या बोल रहे हो यार? सर यहाँ किसी की वीक मिली है। ये तो पोपट भाई की वीक है। हाँ अरे हाँ, पोपटलाल की वीक यहाँ से मिली है, मतलब पोपटलाल भी यहीं कहीं होना चाहिए। चलो जी पंडित जी। हाँ? वो देखिए वो सुरंग जैसा कुछ दिख रहा है, उसके अंदर से कोई खुफिया रास्ता तो नहीं होगा? ए सुनो कांस्टेबल, वो सुरंग जैसा दिख रहा है ना, देखो उसमें से कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है? जी सर। क्विक क्विक क्विक। थैंक यू सर।
क्योंकि विग वहीं से मिली ना, तो हो सकता है पोपटलाल को वहां से कहीं ले गए हो। हाँ। देखो अंदर। ये क्या? पाटिल, पाटिल एक मिनट, इधर इधर। पाटिल कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। देखना जरा क्या? अरे बाप रे, ये तो वो सिंह ऑपरेशन वाली कैमरा वाली पेन है। अरे ये क्या करता है? ये टूटी हुई है, मतलब सिंह ऑपरेशन फेल हो गया। ओ गॉड, स्ट्रिंग ऑपरेशन। भगवान, बापूजी, पोपटलाल को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं जटिया, शुभ शुभ बोल, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। सर, यहाँ किसी लेडीज का पर्स मिला है। लेडीज का पर्स? अरे ये तो भारती जी का पर्स है। नहीं मतलब मैंने ये पर्स भारती जी के पास देखा था, इसलिए। हाँ बराबर है, मैंने भी देखा था। हाँ देखा। दो चीजें यहाँ ले आओ, विग और पर्स ले आओ, कम ऑन क्विक। सर किसी के चप्पल मिला है। ले आओ ले आओ, चप्पल भी लाओ, पर्स भी लाओ, विग भी लाओ, सब यहाँ लाओ। क्विक क्विक, रखो यहाँ पे चप्पल, लगाओ। जटिया बागा, ये चप्पल तो पोपट बेटे का है। पोपट और उस लड़की की सारी चीजों का यहाँ मिलना मतलब वो लोग यहीं आसपास कहीं होंगे। तुम्हारी बात बराबर है पांडे बेटा, लेकिन हमने तो हर जगह उन्हें ढूंढ लिया, वो लोग तो कहीं भी नहीं है। हाँ, पता नहीं वो लोग कहाँ गए होंगे। हाँ। हो सकता है वो दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग उन दोनों को अपने साथ कहीं लेकर गए होंगे। बाबूजी, अगर पोपटलाल को कुछ हो गया होगा तो हम गोकुलधाम वालों का क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ, मैं बावरी जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बावरी का पोपटलाल से क्या है? पोपटलाल को भाई माना है बावरी ने। नहीं नहीं सेठ जी, तो आप समझे नहीं, अगर पोपट भाई को कुछ हो गया तो हमारी हार हो जाएगी, और एक हारा हुआ इंसान किसी को अपना चेहरा कैसे दिखा सकता है? इसीलिए मैंने कहा कि मैं बावरी जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। पांडे बेटा, पांडे बेटा कुछ भी करो, लेकिन पोपटलाल को ढूंढ निकालो। हाँ हाँ चाचा जी, हमें भी चिंता है, हमें भी अपने पुलिस डिपार्टमेंट में अपना चेहरा दिखाना है, पूरे देश को चेहरा दिखाना है। सर मुझे लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। हाँ पाटिल, तुम ठीक कहते हो, जिस तरह से पोपटलाल और उस लड़की की चीजें मिली हैं, मुझे लगता है ये दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग बहुत ही खतरनाक है। तो चालू पांडे जी, अब क्या करें? हाँ, वही सोच रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ। सिद जी एक आइडिया है। क्या? एक काम करें। अरे क्या? हम पोपट भाई के फोटो के साथ एक वीडियो बनाएंगे और उसे वायरल कर देंगे, और कहेंगे कि जो भी पोपट भाई को ढूंढ के लाएगा उसे हम इनाम देंगे। अरे हाँ बराबर है बागा, बराबर है, हम उसे 10 लाख रुपए देंगे। 10 लाख? क्यों, ज्यादा है? नहीं मतलब वो भिड़े को पूछना पड़ेगा ना, वो सोसाइटी फंड में इतना एक्स्ट्रा पैसा है क्या है? मैं क्या कहता हूँ बापू जी, अभी से रकम क्यों जाहिर करनी है? इनाम देंगे ऐसा सिर्फ हम जाहिर करते हैं, फिर जो भी पोपटलाल को ढूंढ के लेके आएगा उसको हम एक बढ़िया से व्याजबी रकम देके खुश कर देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है तो ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ, चलो भाई। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं पांडे जी? हाँ तो और क्या करूँ भाई, तुम लोगों ने सब कुछ तय कर दिया है। पोपटलाल का वीडियो वायरल कर दूं, कितना इनाम देना है, कितना इनाम की राशि होगी, जब सब कुछ तुम लोगों ने आपस में तय कर लिया है तो मैं यहाँ क्या करूं, मैं निकलता हूं। नहीं नहीं सॉरी सॉरी चालू पांडे जी, सॉरी बाघा, ये वीडियो का आइडिया कैंसल।
चालू जी पांडे जी ढूंढ के निकालेंगे पोपटलाल को, ठीक है? Yes, thank you, thank you, thank you. दोस्तों, यदि आप अच्छाई से जुड़े हो, यदि आप सच्चाई से जुड़े हो, किसी अच्छे काम से जुड़े हो, अच्छे मिशन से जुड़े हो, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर ही देगा। आप यहाँ देख लीजिए, बच्ची को भेज दिया इंस्पेक्टर, चालू पांडे को भेज दिया, और बच्ची की जिद की वजह से पोपटलाल का पता तो चल गया, लेकिन पोपटलाल और भारती दोनों के दोनों गायब हैं। भैया आखिरी उम्मीद थी कि पोपटलाल का पता चल जाएगा, लेकिन उस उम्मीद पे भी पानी फिर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि पोपटलाल आखिर गया कहाँ? क्या ही उसे काला बाजार ने गायब तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा हुआ तो हंगामा हो जाएगा भाई, पोपटलाल के बिना गोकुलधाम की कल्पना करना ही नामुमकिन है। अभी तो बहुत काम बाकी है, पोपटलाल की शादी करानी, उसकी बारात में नाचना, और जब गोकुलधाम निवासियों को ये पता चलेगा कि पोपटलाल गायब है तो कितने हंगामे हो सकते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।